हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू एडिटेरिया करेंट अफेयर्स का फटाफट 100.com, यानी कि फटाफट 100 क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कब की गई है? तो ये शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये राजस्थान जयपुर में किया गया है। खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये केरल बन गया है। नेक्स्ट है, 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? तो ये बना है जवाहर नेहरू बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया हुआ है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई है? बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये की गई है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेश हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाला बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये पुणे में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बंगलुरु में। नेक्स्ट है, भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया भुज गुजरात में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गाँव विकसित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की पहली खारे पानी से चलने वाली लालटेन का क्या नाम रखा गया है? तो खारे पानी से चलने वाली लालटेन का नाम है रोशनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है, भारत का पहला कार्यतम रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना है? तो ये आदिवासी जिला बना है मंडला, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया है? तो ये परिचालन प्रारंभ किया दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है यूपी के द्वारा। नेक्स्ट है, ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा, जो कि केरल के द्वारा किया गया है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित है? मसाला उद्यान बोलेगा तो रानीखेत उत्तराखंड। नेक्स्ट दिया हुआ है, हाइड्रोजन लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना है? तो ये बना है एलोरा की गुफा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है हमारा झारखंड। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? तो ये स्कूल खोला गया है गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट दिया हुआ है, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये म्यूजियम बनाया जा रहा है राखीगढ़ी हरियाणा में। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रबर डैम बनाया गया है गया में। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? क्या क्वेश्चन है? स्वच्छ सुजल प्रदेश, जो कि अंडमान निकोबार को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कौन सी फैक्ट्री? लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री, जो कि तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट फ्लेट का प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित की गई है? वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, डिजिटल एंड रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बना है? तो ये बना है इंदौर। नेक्स्ट, भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना है? कौन सा पंचायत डिजिटल साक्षरता वाला? ये बना है पुल्लमपारा पंचायत केरल। नेक्स्ट दिया हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है संगरूर पंजाब में।
नेक्स्ट दिया हुआ है, हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, भारत का पहला हिम स्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा किया गया है? तो ये किया गया है सिक्किम में। नेक्स्ट है, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? ई कॉमर्स कंपनी बनी है अमेज़न। नेक्स्ट है, किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? माइग्रेशन ट्रैकिंग नामक सिस्टम कहाँ किया गया है प्रणाली शुरू? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क हवाई अड्डा कौन बना है? तो ये बना है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियाँ बनाने की निर्णय लिया है? तो ये लिया गया बिहार सरकार द्वारा। 6 साल से अधिक सजा की सजा पाने वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन बना है? ये बना है दिल्ली पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक खोला है? ये खोला है मुंबई शहर में पश्चिमी रेलवे पर। नेक्स्ट, वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए हैं? तो ये आए हैं महाराष्ट्र में, जो कि दूसरा स्थान पे है, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत में घरेलू पर्यटक आए हैं? तो ये आए हैं तमिलनाडु में। दूसरा स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है, कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखा गया कर्नाटक के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो ये किया गया है दिल्ली दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो पहली भारतीय बनी है जानवी डांगेती। नेक्स्ट है, वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट दिया हुआ है, मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है बंगलुरु के द्वारा। नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है अपना गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का क्या नाम रखा गया है? तो ये रोबोट का नाम रखा गया है ईगल। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश में पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है मलेशिया के द्वारा। नेक्स्ट है, नीति आयोग के सहयोग से अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित कौन बना है? तो ये बना है जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन है, जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी है? तो ये कंपनी बनी है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC लिमिटेड। नेक्स्ट है, भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है? ये दिया गया है पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो दार्जिलिंग में है। नेक्स्ट है, एयर गैस मिक्स्ड निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है फ्यूल फ्लिप एनर्जी बनी है। नेक्स्ट है, 1999 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है सुकवी रेलवे स्टेशन, जिसमें पहला है दीमापुर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? तो ये करेगा अरुणाचल प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है हजारीबाग गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है भावनगर गुजरात में। नेक्स्ट है, किस देश ने COVID-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया है? तो ये किया है चीन ने। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जर्मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, महिलाओं को मुफ्त सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? ये बना है स्कॉटलैंड। विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने मैक रदरफोर्ड। नेक्स्ट है, कौन सा देश चीनी के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है? तो ये है अपना भारत। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे गंदा आदमी अमो हाजी का निधन हो गया, वह किस देश का था? तो वह था ईरान के थे। नेक्स्ट है, कौन सा दुनिया का सब पहला तैरता हुआ शहर बना है? तो ये है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? तो ये बनाया गया कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय UK के द्वारा। क्वेश्चन है, दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया है? तो ये पारित किया है न्यूयॉर्क विधानमंडल USA के द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाले 56वां सदस्य कौन देश बना है? तो ये बना है टोगो और 55वां था गैबॉन। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरो जोन का 20वां सदस्य कौन देश होगा? तो ये होगा क्रोएशिया। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 के लिए SCO के पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है वाराणसी को। नेक्स्ट है, किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी की है? तो ये जारी किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी किस रिलेटेड है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। दिया हुआ है, किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? तो ये पेश किया है गूगल के द्वारा। किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुआफी फर्स्ट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने। नेक्स्ट है, किस देश में राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। नेक्स्ट है, विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया माया नाम से जिसको जानते हैं किस देश ने बनाया है? तो ये चीन ने बनाया है। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का क्या नाम है? तो चंद्र मिशन का नाम है दानूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, IIT हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया सेंटर ऑफ सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट है, ओमिक्रॉन वायरस के लिए बायो वायलेट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है UK, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना है? तो ये बना है IIT मद्रास। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, जो खेलकूद से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 81 नंबर क्वेश्चन है, ICC महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित किया होगा? तो ये किया गया है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमर
अमन सहरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ये बनी है हनीप्रीत कौर, सितंबर 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड लीग 2022 यानी भाला फेंक में का खिताब किसने जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरी करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने जेम्स एंडरसन। क्वेश्चन है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी अंतिम पंघाल। नेक्स्ट है, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ये बने मोहम्मद शमी। नेक्स्ट है, किस शहर को विश्व का सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो वो है अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। चलते हैं पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गए हैं? तमिलनाडु में। कितने हैं? तो 14 हैं। भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस जिसको एलएनजी ईंधन वाली ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है पुणे में। कौन सा? तो ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा किया गया है। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बनेगा? तो ये बनेगा दासपारा गांव, जो कि त्रिपुरा में है। नेक्स्ट है, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया है? तो ये है मोढेरा गांव, जो कि गुजरात में पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया है? ये किया गया है जैसलमेर, राजस्थान में। नेक्स्ट है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? ये किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। किस राज्य ने भारत के पहले स्लेंडर लोरिस अभयारण्य की अधिसूचित किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की है? तो ये किया गया है ब्राजील के द्वारा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है लेह हवाई अड्डा, जो कि लद्दाख में है।